अगर आप एक जीरो बैलेंस और मिनिमम चार्जेस अकाउंट की तलाश में हैं, तो आपके लिए फाई मनी फेडरल बैंक अकाउंट एक बेस्ट अकाउंट हो सकता है। फाई मनी फेडरल बैंक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मिनिमम चार्जेस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं और काफी सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आपको फ्री में दी जाती है, जैसे कि आपको अकाउंट में वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। IMPS, RTGS या फिर UPI से आप बिल्कुल फ्री में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। डेबिट कार्ड से आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं और साथ में आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाई मनी फेडरल बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाई मनी ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सर्विस लॉन्च की है। इस अकाउंट में आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जो भी चार्जेस आपके इस अकाउंट में होंगे वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप वर्किंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए और रिसाइड इन इंडिया होने चाहिए। ये अकाउंट नो मिनिमम बैलेंस फीस अकाउंट है। इस अकाउंट में आप जो भी सेविंग्स रखेंगे उस सेविंग के ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो जीरो फीस मेंटेनेंस है। अगर आप इस अकाउंट में एक भी पैसा नहीं रखते हैं तब भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों डेबिट कार्ड मिल जाते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल कार्ड इशू कर दिया जाता है और फिजिकल डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड किया जाता है। डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस फीस जीरो है और एनुअल फीस भी जीरो है। ये डेबिट कार्ड वीजा डेबिट कार्ड है, इसलिए आप इससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फेडरल बैंक ATM से अगर आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप अदर ATM से करते हैं उसमें आप सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं एक महीने में। 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा अगर आप करेंगे तब आपको ₹21 पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। नॉर्मली ज्यादातर बैंक अदर बैंक के ATM से सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री देते हैं, लेकिन इसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन मिल जाती हैं। अगर आप इंटरनेशनल ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको ₹100 पर ट्रांजेक्शन लगेगा। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप रिप्लेसमेंट के थ्रू एक नया डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आपका नया डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा और ये डेबिट कार्ड भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बार डेबिट कार्ड को रिप्लेस करते हैं तब आपको ₹250 चार्ज देना होगा। ऑनलाइन पेमेंट्स पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप NEFT और RTGS और UPI के थ्रू जितना चाहें उतना पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। SMS अपडेट, ईमेल अपडेट्स, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। चेकबुक के लिए आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फुल KYC करेंगे इसके बाद आप चेकबुक के लिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। और भी आपको इस अकाउंट में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं। सो फाई मनी सेविंग अकाउंट एक मिनिमम चार्जेस अकाउंट है। अगर आप किसी भी बैंक से कंपेयर करेंगे तो आपको इतने कम चार्जेस किसी भी बैंक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो फाई मनी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस अकाउंट में आपको काफी सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अगर आप किसी अदर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको इन्हीं सर्विसेज के लिए काफी हाई चार्ज देना होता है। फाई मनी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे एज पर आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में है सेम नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, इसके बाद स्टार्ट नाउ इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने प्ले स्टोर ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर प्ले स्टोर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, फाई मनी स्मार्टर बैंकिंग। यहाँ इंस्टॉल इस पर ओके करेंगे। इंस्टॉल कम्प्लीट होने के बाद ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ साइन अप इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मेक श्योर कि आपका नंबर आपके फोन में ही होना चाहिए, तभी आपका फाई सेविंग अकाउंट ओपन हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ओके गॉट इट इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस ईमेल आईडी से भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी को मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना लीगल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में है, सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद कंटिन्यू विदाउट FI नाइट कोड, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई क्रेडिट रिपोर्ट, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, रिटायर्ड या फिर अदर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर वर्क की डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि आप URL भी डाल सकते हैं अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर कोई वेबसाइट रन करते हैं, या इसके अलावा आपका कोई दूसरा काम है तो यहाँ पर आप काम की डिटेल्स डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आप करेक्ट नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि फाइव मनी फेडरल बैंक आपके एम्प्लॉयमेंट बेस पर ही आपको ये जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट सही नहीं डालेंगे तो इसलिए आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पर एनुअल इनकम डालेंगे, आप साल में कितना कमा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज पर पैन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अपना फादर्स फुल नेम डालेंगे एज पर आधार और पैन कार्ड। यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ से नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम नॉमिनी को छोड़ देते हैं, हम नॉमिनी को बाद में अपडेट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यूज आधार डिटेल्स टू ओपन एन अकाउंट, हमारी आधार कार्ड की डिटेल्स को यूज किया जाएगा अकाउंट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID नंबर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए आपका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पर 4 डिजिट्स के नंबर दिखाए जाएंगे, आपको वो बोलकर बताने हैं। नेक्स्ट करेंगे, कैमरे की परमिशन को अलाउ करेंगे, माइक्रोफोन की परमिशन को भी अलाउ करेंगे, लोकेशन की परमिशन को भी अलाउ करेंगे। इस तरह से आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इस सर्कल के अंदर अपना फेस लेके आना है और यहाँ स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो होगा, इसके बाद आपको वो नंबर बोलना है 7564। इसके बाद आपको वेट करना है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है, जो भी नेम आप अपने डेबिट कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, और इस एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। आपके आधार कार्ड से आपका नेम और एड्रेस ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। अगर आप नेम कोई दूसरा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार कार्ड वाला एड्रेस और नेम यही रहने देते हैं। इसके बाद यू कैन शिप माई कार्ड टू दिस एड्रेस, इस बॉक्स को चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इसको स्वाइप करना है। इस तरीके से आप इसको स्वाइप करेंगे, SMS परमिशन को अलाउ करेंगे, सेंड SMS, इस पर ओके करेंगे। आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, आपके मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अब आपको यहाँ पर वेट करना है, योर अकाउंट ओपनिंग इज टेकिंग सम टाइम, अकाउंट ओपन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड फाइनली फाइव मनी फेडरल बैंक में हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब हमें अपने ATM कार्ड का पिन जनरेट करना है, जिसके लिए यहाँ नेक्स्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको ATM का पिन डालना है, जो भी पिन आप बनाना चाहते हैं 4 डिजिट का, यहाँ से आप पिन को एंटर करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे, पिन को कंफर्म करने के लिए दोबारा से एंटर करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। अब यहां से आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट फंड को ऐड कर सकते हैं, 500, 1000 जितना आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको आई डू दिस लेटर, इस पर ओके करेंगे, आप फंड को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है, अभी हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस है। अकाउंट ओपन होने के साथ साथ ही हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर हो चुका है, जो कि हमारे एड्रेस पर 7 दिनों के अंदर अंदर सेंड कर दिया जाएगा। अब ये इस एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है, जो कि काफी इजी है। आप यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ फाइव सेविंग्स, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। यहीं से आप अपने अकाउंट की डिटेल्स को शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट फंड भी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और स्टेटमेंट को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड देख सकते हैं, यहाँ डेबिट कार्ड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। डेबिट कार्ड को आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूसेज को ऑन कर सकते हैं, कार्ड की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि पिन चेंज करना हो या फिर नया फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना हो तो वो भी आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक नया कार्ड ऑर्डर हो जाता है। इसके बाद अगर आपका कार्ड कभी
कभी खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप दोबारा से नया कार्ड मंगवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आप तीसरी बार ऑर्डर करेंगे तब आपको 250 रुपीज चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। और फिजिकल डेबिट कार्ड आने के बाद आप कहीं से भी किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकाउंट में कुछ फंड ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ ऐड फंड्स इस पर ओके करेंगे। इसमें अभी हम 1000 रुपीज ऐड कर लेते हैं, बाकी आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, 500, 1000, 2000। इसके बाद डन करेंगे। यहाँ पर UPI प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। आप इनमें से जो भी UPI प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ोनपे। इसके बाद ऐड फंड इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पे इस पर ओके करेंगे। UPI का पिन डालेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट ऐड हो गया है, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। अब UPI के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना UPI पिन जनरेट करना होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और आपकी एक्सपायरी डेट आपको डालनी है, इसके बाद आपका UPI पिन जनरेट हो जाएगा। UPI पिन सेट करने के बाद आप यहां से बैलेंस डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहां पे इस पर ओके करेंगे। यहाँ से आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या फिर UPI ID पे भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो स्कैन QR इस पर ओके करेंगे। फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट गैलरी से भी QR कोड को ओपन कर सकते हैं। तो हमने गैलरी में QR कोड को रखा हुआ है तो यहाँ पर हम गैलरी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद QR कोड को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जितना अमाउंट भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 100 रुपीज डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना UPI पिन एंटर करेंगे और ओके करेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ जाएगी, अमाउंट सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से फाई अकाउंट से किसी भी अकाउंट में या फिर UPI के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी आसान है, आप इसको काफी आसानी से यूज कर सकते हैं और काफी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है फाई मनी फेडरल बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।